नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पिछले कुछ दिनों से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाखा बलजारा झील को शुद्धिकरण व सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे। विधायक के साथ साथ नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार और स्मार्ट सिटी सीईओ राहुल सिंह पहुंचे। तालाब में चल रहे सिल्ट के काम को देखते हुए नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि तालाब सौंदर्यकरण को लेकर यह प्रोजेक्ट लगभग 18 महीने का है। तकरीबन 2 साल बाद शहरवासियों के लिए एक सुंदर झील देखने को मिलेगी। इस झील के किनारे करीब 16 घाट बनाने का प्रोजेक्ट भी है, जो कि बहुत जल्द पूरा होगा। अभी फिलहाल शहर की नालियों के गंदे पानी को शिफ्ट करने के भी प्रोसेस जारी है। इसके अलावा तकरीबन 20 डंपर और 10 क्रेन लगाकर सल्ट निकालने का काम किया जा रहा है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। भाई साहब, आज लाखा बंजारा डीसल्टिंग का निरीक्षण करने आए, क्या पाया, क्या निर्देश दिए? देखिए, अब लाखा बंजारा जो हमारा प्रोजेक्ट है डीसल्टिंग और लेक फ्रंट डेवलपमेंट का, वो अब धरातल पे शुरू हो गया है। अभी तक सारी की सारी ड्राइंग और डिज़ाइन जो है वो पार्ट पूरा हुआ है और अब धरातल पे काम हम लोगों ने शुरू कर लिया है। आपको दिख रहा होगा कि बड़ी संख्या में डंपर लगे हुए हैं, हाइड्रा मशीनें वही सब एक्सकवेशन मशीनें लगी हुई हैं और लगभग 0.9 मीटर जो है हमें डीसिल्ट करना है। और डीसिल्ट करने के साथ साथ ये जो 41 नाले हैं जो पूरे के पूरे शहर के गंदे पानी को लेके आ रहे हैं, उस गंदे पानी को तालाब में जाने से रोकने के लिए तालाब के पेरिफेरल अलोंग द लेक एक पाइप हम लोग डालेंगे। उस पाइप के माध्यम से उस गंदे पानी को पंप करके बाहर फेंकेंगे हाइड्रोलिक गेट के थ्रू, और वहाँ पे एक एसटीपी लगभग 4 MLD का एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जिसको कहते हैं, जिससे पानी का शुद्धिकरण करेंगे। उस पानी को हम लोग शुद्ध करेंगे और शुद्ध करने के बाद फिर उसको मोगा बधान के बाहर उसको छोड़ेंगे, तो वो पानी भी कपड़े धोने के लिए और इरिगेशन के लिए उसके लिए बड़ा उपयोगी होगा। तो हम यहाँ से उस गंदे पानी का भी उपयोग करेंगे, उस गंदे पानी को भी हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। उस गंदा पानी कहीं हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे ताकि कहीं और जाके वो गंदगी पैदा करे, उसको ट्रीट करके उस पानी को आगे भेजेंगे। और तालाब के पेरीफेरी में 16 घाट बनाने का प्रावधान इसमें किया गया है और पूरा का पूरा एक पाथवे बनाएंगे। अगर हम एक पॉइंट से शुरू करेंगे तो पूरा सर्किल लेके 6.5 किलोमीटर का पूरा सर्किल पूरा करके हम एक उसी पॉइंट पे आ सकते हैं। तो एक ऐसा पूरा पाथवे इसमें बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रिक्रिएशन के भी कुछ काम किए जाएं, जिससे लोगों में एंटरटेनमेंट करने का एक वो पैदा हो, और उस सारे के सारे काम। भाई साहब, कितना समय लगेगा इसके लिए? जो उस सफाई की जो योजना है वो सार्वजनिक नहीं हुई है, उसको अगर सार्वजनिक किया जाए, लोगों को पता तो चले कि कैसा सफाई का काम है। निश्चित रूप से आपने अगर इसको पॉइंट उठाया, मुझे ऐसा ध्यान था कि बीच में कुछ अखबार समूह के माध्यम से तालाब की कैसे डीसिल्टिंग होगी और कैसा काम होगा कहीं छपा है, लेकिन अगर आपको लगता है तो उस विषय को ज़रूर अखबार के माध्यम से हम लोग देंगे। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे और सोशल ऑडिट भी उसका होना चाहिए, लोग यहाँ आके देखें कि उनके सब पैसे का पूरा उपयोग हो रहा है नहीं। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये जो जितना भी पानी अभी ड्रेन आउट हुआ है वो ग्रेविटी के माध्यम से हुआ है, इसमें स्मार्ट सिटी का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। अब जो लगभग 25-30% पानी बचा हुआ है शेष, वो शेष पानी को हम पंप के माध्यम से पानी को बाहर पंप आउट करेंगे, तो उसमें ज़रूर पैसा खर्च होने वाला है। तो एक एक पैसे का सदुपयोग हो, इससे तो जैसे अभी हम राहुल सिंह जी हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ हैं, मुझे अज्ञानतावश मैंने सोचा कि एक साथ उसका काम भी शुरू होना चाहिए,
उन्होंने बताया कि वहाँ काम इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे हैं कि सागर में जो हमारा सीवरेज का पानी है, गंदा पानी, वो लगभग 2.5 MLD जो है रोज़ उसमें इकट्ठा हो रहा है। तो अगर हम पानी को पंप आउट करेंगे और फिर उतना पानी फिर गंदा पानी आ जाएगा तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसको कितना खोदा जाना है विधायक? होगी खोदा कितना जाना है किनारों पर? कितना 0.9 meters मतलब एक स्लोप में जाएगा तो 0.9 meters टोटल जो है डिसिल्ट करना है हमें जी। सब जिस प्रकार से गति धीमी गति से काम चल रहा है तो क्या आपको लगता है कि बारिश के पूर्व ये सब हो जाएगा? कैसे होगा, हम क्लेम भी नहीं कर रहे हैं। 18 महीने का समय दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि 18 महीने नहीं होंगे तो 2 साल में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम कुछ पार्ट डिसिल्टिंग का, नाले टैबिंग का जी। और ये जो ट्रंक डालना है वो वाला काम, हाइड्रोलिक गेट जो यहाँ लगाना है वो, ये 2-3-4 काम जो हैं बारिश के पहले हम पूर्ण करने वाले हैं। इसके बाद के जो शेष काम है वो बारिश के बाद शुरू होंगे। भाई साहब, जैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके बाहर प्लान से संबंधित जानकारी के बोर्ड लगाए जाते हैं कि फला इत्ते का काम है, ये चीज़ें होनी हैं, जैसा भाई साहब ने कहा। तो यहाँ एक दो जगह अगर साइड पर बोर्ड लग जाए तो आम शहरी जानेगा कि ये होने वाला है तालाब में। ये काम, ये बात आपने बताई है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आम शहरी को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनके पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है और किस तरह का काम हो रहा है। तो ये सब काम हम लोग यहाँ साइन बोर्ड, साइनेज के माध्यम से जरूर लगाएंगे। थैंक यू।